22 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के खिलाफ छात्रों ने ओल्ड राजेंद्र नगर में अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। सचिन शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई तरह के गलत मैसेज चल रहे हैं, अब ये लोग उस पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको सच्चाई पूरी तरह से पता हो और सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई को भी इन्हें बताना जरूरी है। एक तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे कई तरह के गलत मैसेजेस चल रहे हैं, जो कि इन लोग उसको ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ ले लीजिए, बायोमेट्रिक्स रिलेटेड ले लीजिए। तो एक तो इनको हम लोग कोशिश करें कि फैक्ट्स प्रॉपर तरीके से पता हो। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से जो भी एक्शंस वगैरह हो रहे हैं वो भी इनको बताने की कोशिश हो रही है, इंक्लूडिंग जो जुडिशियल जो संज्ञान लिया गया इसके बारे में। इसके अलावा इनसे हम लोग ये बात कर ही रहे हैं कि आपकी जो भी कंसर्न्स हैं वो करेक्ट अथॉरिटी एंड एजेंसी उसको एड्रेस करने के लिए काम करेगी। कल इवनिंग में एक मीटिंग भी ली है ऑनरेबल एलजी साहब ने, जिसके अंदर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, उन्होंने बड़े पेशेंटली पूरी बात सुन के और उनके रिजोल्यूशन के लिए जो भी दिशा निर्देश वो दे सकते हैं आई एम श्योर उन्होंने दिए हैं। तो ये इनको यही बताने की कोशिश है कि इनकी सारी कंसर्न्स के ऊपर एक्शन इनिशिएट किया जा रहा है बाय कंसर्न।